नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने सामने की बात करूंगी। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में मैं कवि कुंवर नारायण जी की काव्य कृति अपने सामने का परिचय रखना चाहती हूँ। आपके व हमारे सामने जीवन में बहुत कुछ घटता है। हम अपने सामने सन्नाटा या शोर पाते हैं, भागते हुए लोग, जंगल, मौसम और ज़रूरतों के नाम पर अधूरे समझौतों के साथ हिसाब किताब और अनेक सतहों के बीच जीते चले जाते हैं, किंतु संवेदनशील कवि इन रेखाओं के बीच अभिव्यक्ति का सेतु गढ़ता है और तब अपने सामने जैसी कृति आकार लेती है। पद्मभूषण कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि थे। 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे कविवर कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, शलाका सम्मान सहित अनेक सम्मान व पुरस्कारों से नवाजा गया है। वे 20वीं व 21वीं सदी के बहुआयामी साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, समीक्षा, निबंध तथा काव्य की अनेक विधाओं में न केवल विपुल साहित्य सृजन किया है, अपितु एक दुर्लभ संवेदनशीलता से उन्होंने साहित्य की कई परंपराओं के साथ जीवंत संवाद भी कायम किया है। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तीसरा सप्तक में आप सहयोगी कवि के रूप में शामिल थे। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों हाशिए का गवाह, आत्मजयी, बेचैन पत्तों का कोरस आदि आपकी चर्चित कृतियां रही हैं। प्रस्तुत कृति अपने सामने का प्रथम संस्करण 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष यानी कि 2023 में इसका 13वां संस्करण राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। समय व समाज को अनुभूति व चिंतन के विभिन्न धरातलों पर एक खास पहचान के साथ प्रस्तुत करने वाले कुंवर नारायण जी अनूठे कवि हैं। अपूर्व नारायण का कथन है कि दैनिक यथार्थ के साथ कविता का रिश्ता नज़दीक का भी हो सकता है और दूर का भी, और दोनों ही तरह वह जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल है, कविता कितने सच्चे और उदार अर्थों में हमें आदमी बनाने की ताकत रखती है। कविता उनके लिए जीवन का प्रतिबिंब मात्र नहीं, जीवन का सबसे आत्मीय प्रसंग है। कविता जो अपने चारों तरफ भी देखती है और अपने को सामने रखकर भी। उनकी कविताओं में हमें बहुत सतर्क किस्म की भाषा का इस्तेमाल मिलता है। वह कभी बहुत गहराई से किसी ऐतिहासिक या दार्शनिक अनुभव की तहों में चली जाती है और कभी इतनी सरल दिखती है कि वह हमें अपने बहुत करीब नज़र आती है। बहुआयामी स्तरों पर भाषा से यह लड़ाई और प्यार कुंवर नारायण को चुनौती देता है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब कविता का एक बड़ा हिस्सा एक ही तरह की भाषा में अपने को अभिव्यक्त किए चला जा रहा है। हिंदी के अग्रणी आधुनिक कवि कुंवर नारायण की कविता की दुनिया में जाने का मतलब जिंदगी की गहराई, जिंदगी को गहराई और विस्तार से देखने और जानने का अच्छा मौका पा लेना है। दोस्तों, प्रस्तुत कृति अपने सामने तीन खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 26 कविताएं, दूसरे में 29 तथा तीसरे में 16 कविताएं संग्रहित हैं। ये कविताएं जीवन अनुभवों व सौंदर्य बोध के साथ निरंतर पूरे की तलाश में संघर्ष करती कविताएं हैं। इन कविताओं में अधूरे समझौते हैं, अपने को बदल कर या फिर से पाकर सब कुछ नए सिरे से सोचने का अवसर देती ये कविताएं जीवन का यथार्थ बोध कराती हैं। अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने के विकल्प को प्रस्तुत करती ये कविताएं आपद धर्म से जूझती हैं और एक खास तरह की हमारी बेचैनियों का हिस्सा बन जाती हैं।
लखनऊ, श्रावस्ती, कोणार्क, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार आदि शीर्षक कविताएं भारतीय चिंतन और आधुनिक मूल्यबोध के बीच संबंध स्थापित करती हैं। आज भी दिल्ली की तरफ बर्बरों का आगमन जारी है। इस चेतना को हमारे सामने प्रस्तुत करती ये कविताएं हमें एक नए धरातल से रूबरू कराती हैं। कुंवर नारायण जी अपनी परंपरा के कवियों से इस अर्थ में भी भिन्न हैं कि वे स्वयं को सिद्ध करने वाले कवि नहीं नजर आते। वे निरंतर युगीन सत्य, समस्या व मूल्यों से लड़ते हैं। उनकी अधिकांश कविताओं का पैनापन जीवन व जगत की सर्वथा एक नए ढंग से व्याख्या करता है। वे अपने समय के तो महत्वपूर्ण कवि हैं ही, साथ ही वे परंपरा के भीतर आधुनिक हो जाने वाले कवि भी हैं। उनकी कविताओं में वर्तमान को एक प्रवाह में देखने की दृष्टि मिलती है। उनकी रचनाशीलता में हम समकालीन समस्याओं को प्रदीर्घ संदर्भों में अपने सामने पाते हैं। यही इन कविताओं का मूल बोध भी है और सनातन प्रभाव भी है। मैं कविवर कुंवर नारायण जी को, जिनका देहावसान 15 नवंबर 2017 को हुआ, मैं उन्हें कोटिशः प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दोस्तों, अब मैं इस कृति की दो कविताएं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। एक कविता जिसका शीर्षक है विभक्त व्यक्तित्व, ये कविता कवि ने मुक्तिबोध के निधन पर अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए लिखी है। कविता कुछ यूँ है कि वह थक कर बैठ गया जिस जगह, वह न पहली न अंतिम, न नीचे न ऊपर, न यहाँ न वहाँ, कभी लगता एक कदम आगे सफलता, कभी लगता पाँव के आसपास चल पड़ता। वह थक कर बैठ गया जिस जगह, वह न पहली न अंतिम, न नीचे न ऊपर, न यहाँ न वहाँ, कभी लगता एक कदम आगे सफलता, कभी लगता पाँव के आसपास जल भरता। सोचता हूँ उससे विदा ले लूँ, वह जो बुद्ध सा चिंता मग्न हिलता न टुलता, वह शायद अन्य है क्योंकि अन्यतम है। सोचता हूँ उससे विदा ले लूँ, वह जो बुद्ध सा चिंता मग्न हिलता न टुलता, वह शायद अन्य है क्योंकि अन्यतम है। वैसे जीना किस जीने से कम है, वैसे जीना किस जीने से कम है, जबकि वह कहीं से भी अपने को लौटा ले आ सकता था, शिखर से साधारण तक, शब्दों के अर्थ जाल से केवल उनके उच्चारण तक, सिद्धि के रास्ते जब दुनिया घटती और व्यक्ति बढ़ता है, कितनी अजीब तरह अपने आप से अलग होना पड़ता है। सिद्धि के रास्ते जब दुनिया घटती और व्यक्ति बढ़ता है, कितनी अजीब तरह अपने आप से अलग होना पड़ता है। और दोस्तों, एक और कविता जो एक त्रासदी को अभिव्यक्त करती है विभाजन की, तो मैं वो कविता आपके सामने रखती हूँ कि जहाँ पहले हमलों का क्रम था, वहाँ अब एक अंधेरा जंगल है। जहाँ दुविधाओं का दलदल था और लूटने का भ्रम, वहाँ अब केवल एक गहरी उदासी का डुबाव है। जहाँ पहले हमलों का क्रम था, वहाँ अब एक अंधेरा जंगल है। जहाँ दुविधाओं का दलदल था और लूटने का भ्रम, वहाँ अब केवल एक गहरी उदासी का डुबाव है। हमेशा की तरह वैभव और जोर जबरदस्ती का रास्ता एक बहुत ठंडी और अंधेरी घाटी में पहुंचकर अचानक कहाँ खो जाता है। हाँफते हुए राजमार्गों से नहीं, उलझी हुई पगडंडियों से बार बार पहुंचना, विदग्ध सम्राटों की तरह या मामूली डाकू की तरह,
खोजते हुए वाल्मीकि का आश्रम रौनकों से हटकर ललछौना के जंगल में घेर कर उनका घर, जिन्हें जिंदा जला दिया था, ललछौनों के जंगल में घेर कर उनका घर जिन्हें जिंदा जला दिया था, वे तो सचमुच गरीब निकले। उनके पास कुछ भी न था सिवाय उनकी पहले ही से जली हुई ठठरियों के। उनका सामान लेकर रातों रात अंधेरे में सेंध लगाकर भाग निकलने की बेचारी कोशिश उनका सामान लेकर रातों रात अंधेरे में सेंध लगाकर भाग निकलने की बेचारी कोशिश आज भी वे अनेक साम्राज्यों और बियावानों में से होते हुए आज भी वे अनेक साम्राज्यों और बियाबानों से होते हुए भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कविताएं अपने सामने जब हम पाते हैं तो एक संघर्ष का नया आयाम खुला पाते हैं। मैं एक बार पुनः कविवर कुंवर नारायण जी को बहुत श्रद्धा से नमन करती हूँ। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।